हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से करंट वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स का, जो कि एक टाइप ऑफ फाइल है जिससे हम डेटा और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट को जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिक्वेंशियल एक्सेस, जिसपे हम कंटेंट और रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा टाइप है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, जिसपे डेटा और रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, पर इंडेक्स हमें हेल्प करता है डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे जाने के लिए। और डायरेक्ट एक्सेस, उसका ही नाम है रैंडम एक्सेस। ये दोनों नाम अगर अलग है फिर भी वर्किंग सेम है, जिसपे हम डायरेक्टली रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं और रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, और ये सभी टाइप्स के फाइल के प्लेलिस्ट का, प्लीज उसमें जाके आप सभी का इंट्रोडक्शन ले सकते हो। करंटली इस वीडियो सेशन में मैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस पे फोकस कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं कि इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होता है। तो हमारे पास है इंडेक्स, जो एक एक्स्ट्रा फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। वो हमें मदद करता है जो डेटा, जो रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियली अवेलेबल है हमारी फाइल में, वो एक्सेस करने के लिए। तो ये जो फील्ड होता है इंडेक्स, ये एक एक्स्ट्रा फील्ड होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को। उस इंडेक्स में क्या क्या होता है? तो वो इंडेक्स में होता है सबसे पहले की, जो जिस की की मदद से हम कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, और उसका एड्रेस, उस रिकॉर्ड का एड्रेस। वो जो कीज होती है और इंडेक्स होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, तभी तो हम इजीली उस इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं, बट सिक्वेंशियली। इसीलिए इस फाइल का नाम दिया है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। सो हमें अगर कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो उसके लिए हम वो या उस इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूजेस क्या है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल के। तो जहां तक कि रिकॉर्ड एक्सेसिंग का सवाल है, अगर मुझे सिलेक्टिव रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना है, तो उस टाइम ये इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी रिकॉर्ड का एड्रेस लोकेशन एक फील्ड चेंज करना है, तो मैं उस रिकॉर्ड को सर्च कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और मैं उसके एड्रेस का एड्रेस अपडेट कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करने हैं, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का ही मुझे एड्रेस चेंज करना है। तो सिलेक्टेड रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना है, इसके लिए मेरे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल है, जिससे मैं सिलेक्टिव रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती हूँ। इसकी जगह पे अगर मुझे सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने होते हैं तो आई विल प्रेफर टू यूज सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में अगर मुझे सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तो सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ज्यादा फिजिबल होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ये जो फाइल है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, ये फाइल आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जहां तक कि सिक्वेंशियल एक्सेस का सवाल है, तो आप सिर्फ सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको इंडेक्स यूज करना है तो
इंडेक्स यूज करके डायरेक्टली आप वो रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी ये फाइल आपको देती है। और ये फाइल का एक्सेस जो है वो फास्टर है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल से, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में रिकॉर्ड हम वन बाय वन हर एक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स की मदद से हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखते हैं एडवांटेज हो गए आपके, तो अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो एक ही यहाँ पे डिसएडवांटेज है, वो है कि अगर मुझे इंडेक्स स्टोर करना है हर एक रिकॉर्ड का, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा जिसपे मैं इंडेक्स स्टोर करने वाली हूँ। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है तो ये हमारे लिए यूजफुल है, पर वो स्टोर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल करना पड़ता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोज और उसके कंटेंट समझ में आ रहे हैं। कमेंट देना ना भूलिए। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वो उसके साथ साथ मैं इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल करके दे रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स। थैंक यू।